हमने सुना कि आपको सस्ते में GTA 5 कान उठाना है। सस्ता बजट सिस्टम लेकिन परफॉर्मेंस भाई बेहतरीन, कुछ ऐसा ही बिल्ड चाहिए ना आपको। तो जी सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आज के इस वीडियो में हम चीपेस्ट पॉसिबल गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो GTA 5 को 60+ FPS पर चला पाए। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई सिर्फ GTA 5 क्यों, बहुत सारी ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी गेम्स इस बिल्ड में चल जाएगी, क्योंकि इस बिल्ड में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी है भाई, ठीक है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिल्ड के हार्ट ऐसे प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर में हमने पिक किया है वही वाला भाई, बजट किंग इंटेल का, और ये लेटेस्ट 12th जनरेशन वाला i3-12100F प्रोसेसर। पिछले वीडियोस में हमने इस प्रोसेसर की काफ़ी तारीफ करी, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा, आज और करेंगे। तो लो बजट सेगमेंट में 1080p लेवल की गेमिंग के लिए 12100F दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, 4 cores एंड 4 threads के साथ आता है, 3.30 GHz की बेस एंड 4.30 GHz की टर्बो स्पीड पर रन करता है, और 12 MB की कैश है। आपको एक जनरल आइडिया लगे इसलिए इसके एक नियर कंप्यूटर के साथ इसका क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, Ryzen 4350G से। वैसे तो 5300G से भी कर लेते, लेकिन भाई वो तो सिर्फ विदेश में ही पाया गया है, इंडिया में किसी के पास हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रा। खैर, 12100F Cinebench R23 में 40% फास्टर है Ryzen 3 4350G से, एंड मल्टीकोर में भी 41% फास्टर है भाई। तो यार ये न्यू 12 जनरेशन के i3 पुराने जनरेशन के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली i3 वाली गेमिंग की तो पूरी इमेज ही बदल के रख दी है। वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई इस प्रोसेसर पर किस तरह की, किस लेवल की खतरनाक वाली गेमिंग हम कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड में हमने इस बिल्ड के लिए गीगाबाइट H610M S2 मदरबोर्ड चूज़ किया है। ये माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड है जो सपोर्ट करता है इंटेल के सभी 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स को। मदरबोर्ड पर ड्यूल रैम स्लॉट्स मिल जाती है जो सपोर्ट करती है अप टू 64GB DDR4 3200MHz फ्रीक्वेंसी वाली रैम को। ऑन बोर्ड पर 1 M.2 स्लॉट, 4 SATA कनेक्टर्स, PCIe 4.0 वगैरह मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये बेसिक सा मदरबोर्ड है, बट हाँ ये मदरबोर्ड में एक खास फीचर है जो बाकी बजट बोर्ड्स में नहीं मिलता। बात कर रहा हूँ मैं गीगाबाइट गेमिंग लैन की। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको स्मूथ एंड लो लेटेंसी वाली ऑनलाइन गेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। मैं पर्सनली भी गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज़ करता हूँ, उसमें भी ये फीचर है, एंड यस ये फीचर बैंडविड्थ एलोकेशन में काफ़ी यूजफुल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल भाई बजट मदरबोर्ड है, एंड शायद से वन ऑफ द चीपेस्ट 12 जनरेशन का ये मदरबोर्ड है। नॉर्मल यूज एंड गेमिंग के लिए सही है, एंड फ्यूचर में अपग्रेड ऑप्शंस के लिए भी इनफ ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ये मदरबोर्ड हमारे इस बिल्ड के लिए परफेक्ट है। ऑलराइट, तो फिर आते हैं अब हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट रैम पर। रैम में हमने वही पुरानी मेरी फेवरेट Adata XPG D30 8GB 3200MHz की सिंगल रैम स्टिक यूज़ करी है। काफ़ी बेहतरीन रैम है एंड काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, बट क्योंकि हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, मैं एटलीस्ट 16GB रैम तो रिकमेंड करूंगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल आप ये सिंगल स्टिक 8GB रैम परचेज कर ले, एंड देन 1-2 महीने बाद जब बजट बन जाए तब वापस से सेम रैम स्टिक खरीद के इंस्टॉल कर देना। अब इससे मेमोरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि अब ये ड्यूअल चैनल में चलेगी, परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ऑलराइट देन, अब गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए स्टोरेज तो चाहिए ना। तो स्टोरेज के लिए हमने पिक की है किंगस्टन NV1 500GB की NVMe SSD। SSD ऊपर से NVMe वाली है भाई, तो सिस्टम बूट फटाक से हो जाएगा। 500GB है तो GTA 5 जैसी बड़ी बड़ी 1-2 गेम्स भी आराम से इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर भी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो फ्यूचर में कभी हार्ड डिस्क लगा लेना, फोटोज वीडियोज एंड दूसरी कम फेवरेट वाली गेम्स उसमें रख देना, क्या दिक्कत है भाई, क्यों सही कह रहा हो ना। ठीक है, तो नाउ आते हैं अब हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पर, जिससे अपना ये सस्ता पीसी गेमिंग पीसी बन जाता है। जी सही पकड़े हो, बात कर रहा हूँ मैं ग्राफिक्स कार्ड की। तो जैसा कि आप जानते हो कि भाई GPU के प्राइस अब कम होने लग गए, ये हम गेमर्स के लिए भाई गुड न्यूज़ है। अब हम अपने बजट में अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हैं। वैसा ये गजब का एकदम बजट ग्राफिक्स कार्ड हमने इस सिस्टम के लिए पिक किया है, जो कि है NVIDIA की तरफ से T400 GPU। ये एक एंट्री लेवल वर्क स्टेशन कार्ड है, 2GB DDR6 VRAM है,
384 कूड़ा कोर्स, 1.094 टी फ्लॉप्स एंड 30 वॉट का पावर कंजप्शन है। हाँ, ये है एक वर्क स्टेशन ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन फिर भी आप इस पर गजब बजट वाली गेमिंग कर सकते हो। अब इस करंट कॉन्फ़िगरेशन में कैसी गेमिंग होगी, कौन से गेम्स में कितने FPS आएंगे, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ बेंचमार्क्स एंड ग्राफ्स रेडी की हैं। शुरू करते हैं GTA 5 से। तो 1080p नॉर्मल सेटिंग्स पर एवरेज 100 FPS मिल जाती है एंड हाई सेटिंग्स पर 60 की एवरेज बनती है। रही बात पॉपुलर कॉम्पिटिटिव टाइटल्स लाइक वैलोरेंट एंड CS:GO, तो दोनों ही काफी हाई FPS मक्खन चल जाती है। और भी कई गेम्स टेस्ट किए हैं, उसका ग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड अगर और भी डिटेल में T400 की गेमिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड गेमिंग के अलावा लाइट वर्क लोड की एडिटिंग एंड एनिमेशन भी पॉसिबल है, फोटोशॉप प्रीमियर प्रो वगैरह चल जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, अपना GPU एक वर्क स्टेशन वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो उसका भी इफेक्ट आपको क्रिएटिव टास्क में फील होगा। एंड बाकी नॉर्मल यूज एंड ऑफिस के सॉफ्टवेयर अगर इस सिस्टम पे चलाना हो तो ऑफकोर्स भाई आराम से चल जाएंगे। एंड क्योंकि आप एक लो बजट PC बिल्ड बना रहे हो, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, तो ये PC आपके लिए भी बढ़िया है। प्रोजेक्ट से लेकर कोडिंग प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर जैसे कोड लाइट, विजुअल स्टूडियो भी बढ़िया से चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्ड अभी अपना कंप्लीट कहाँ हुआ है, पावर सप्लाई अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो भाई पावर सप्लाई में हमने चूज किया है काफी पॉपुलर ब्रांड से एंड स्पोर्ट्स VS450L। ये 450 वॉट का पावर सप्लाई है जो कि हमारे इस बिल्ड के लिए इनफ है। वैसे आप चाहो तो 80 प्लस प्रोन्स वगैरह भी लगा सकते हो, 2500-3000 में पड़ेगा, बट PSU की एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाएगी। खैर आते हैं बिल्ड के लास्ट कंपोनेंट कैबिनेट पर। तो भी इस तरह के लो बजट PC बिल्ड में अच्छा कैबिनेट ढूंढना काफी मुश्किल का काम होता है, लेकिन फिर भी हमने काफी कश्मकश के साथ एक अच्छा सस्ता और बढ़िया कैबिनेट ढूंढ निकाला है। Chipronics X610B केस यूज कर रहे हैं हम इस बिल्ड में, काफी बजट ओरिएंटेड है, 2500 रुपीज के अंदर आ जाता है। ट्रांसपेरेंट साइड पैनल है, फ्रंट में RGB है, एग्जॉस्ट फैन भी है, तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। इसके एक दो भाई और हैं जिनके बीच में 100-150 का फर्क है, तो चाहो तो उनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बजट के अंदर ऑलराउंडर PC है, बेसिक टास्क से लेकर कैजुअल एडिटिंग गेमिंग भी कर लेता है, 30,000 के आसपास की बिल्ड कंप्लीट हो जाता है, चीपेस्ट पॉसिबल येट अच्छे कंपोनेंट हमने इसमें यूज किए हैं, तो भाई क्वालिटी में इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। एंड सारे पॉपुलर टाइटल्स भी लाइक GTA 5, Valorant, CS:GO भी 30K जैसे फ्रेंडली बजट में अच्छे से रन करवा देता है। एंड यस, अगर आपको इससे भी थोड़ा सस्ते में चाहिए तो आप AMD Ryzen 3 के साथ बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ज्यादा अपग्रेड ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही करंट कंपोनेंट की सारी लो प्राइस वाली लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये लो बजट गेमिंग PC बिल्ड। अगर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के हम PC रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।